अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाचिंग द अदर साइड विद अलीना शिकरी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त तो एक कंपनी के फ्रॉड को लेके काफ़ी जल्दी तहकीकात हमें नज़र आ रही हैं और इस वक्त पूरे मीडिया की भी नज़रें मरकूज नज़र आती हैं हमें इस एक स्कैंडल पे। लेकिन हम भूल जाते हैं माजी के तमाम वो करप्शन केसेस जिसमें पॉलिटिशियंस, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें पुलिस ऑफिशल्स, जिसमें मिलिट्री ऑफिशल्स, तमाम हमें गवर्नमेंट ऑफिशल्स तमाम की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। लेकिन उन केसेस का क्या होता है, बड़े कन्वीनियंटली वी ब्रश देम अंडर द कार्पेट, हम उस पर नहीं देखते कि किसी को सज़ा मिले या इतने स्विफ्टली हमें गवर्नमेंट इदारे या हमें FIO उस पर अमल करते हुए नज़र आए। NAB जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो एहतसाब के जो जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये जो है खुद मुख्तार इदारा है, वो हमें क्यों नहीं इतने एफिशिएंटली नज़र आता काम करते हुए जब करप्शन केसेस की और बड़े बड़े स्कैंडल्स की हम बात करते हैं, जिसमें चाहे वो रेंटल पार केस हो, चाहे वो हज करप्शन स्कैंडल हो, चाहे वो एफिडिन केस हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों की जो दौलत है और जो मुल्क की जो दौलत थी वो स्विस बैंक्स में पड़ी हुई होती है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान वापस आ सकती है। हम बात करेंगे इसी हवाले से कि एक तरफ हम देखते हैं अयान अली के मोबाइल को लेके डिकोड नहीं मोबाइल हो पा रहा होता है अब तक, लेकिन बड़े एफिशिएंटली हमें कंपनीज को सील कर देते हुए हम नज़र देख रहे होते हैं। और कल की खबर थी जहां पर इत्तेफाक फाउंड्रीज में से जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट भी मिल जाती है, बरी हो जाते हैं बड़े कन्वीनियंटली, 14 साल से एक केस पड़ा हुआ होता है। हम आज कुछ बात इसी हवाले से करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ये हम मैनेज देख रहे हैं, कहा जाता है कि दिस इज ड्यू टू आर ओन नेग्लिजेंस और द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नेग्लिजेंस, क्या ये नेग्लिजेंस जो है वो हमारी इंटेंशनल नेग्लिजेंस है, हुकूमत के बस में क्या है और क्या बस में नहीं है, आज हम इस पर बात करेंगे। और जो सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए तो और उन पर बड़ी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आप तक हकायक पहुँचाएँ, अब अगर हकायक पहुँचा रहे हैं और करप्शन के केसेस कुछ सामने आ रहे हैं, सहाफ़ियों पर भी बहुत प्रेशर आता है और फिर आवाम कन्फ्यूज़ हो जाती है कि भाई आया कि सहाफ़ी सही बोल रहे हैं या हुकूमती एहलकार जिन पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और जिनकी करप्शन नहीं साबित हो पा रही या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो कौन सच कौन है और सच्चा कौन है, हम इसे बात करेंगे। आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है इस प्रोग्राम पे डिस्कशन करने के लिए राउफ क्लासा साहब को, सीनियर तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें पहली दफ़ा शो पर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच क्लासा साहब फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ़ रखते शरियार खान साहब जो कि सदर नेशनल प्रेस क्लब सामबाद के। अस्सलाम वालेकुम शरियार साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें टेलीफोन कॉल पे अमेरिका से ज्वाइन करेंगे शाहिन सिबाई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं। हम स्टार्ट करना चाहूँगी मैं क्लासा साहब आपसे ही कि हमने ओवरऑल देखा कि तमाम आप जो सीनियर और सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं वो अपने अपने प्रोग्राम्स में आप लोग आए दिन करप्शन एक्सपोज कर रहे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें पॉलिटिशियन सब तमाम इन्वॉल्व, जिनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, क्या वो करप्शन के चार्जेस जो हैं वो सही होते हैं? क्योंकि फिर आवाम कहती है कि जी रेटिंग्स और प्रोग्राम्स की रेटिंग्स, चैनल्स की रेटिंग्स के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यलीना, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ जो मेरे ख्याल आवाम को समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में डेफेमेशन लॉज हैं, और मेरे ख्याल शहरयार को भी ये याद होगा कि चौधरी शुजात हुसैन जब ये वज़ीर आज़म 40 दिन के लिए बने थे, उन्होंने एक ही काम किया था उन 40 दिनों में कि ये डेफेमेशन लॉज में चेंजेस कराई थी पार्लियामेंट से, इसको सिविल सूट से क्रिमिनल उन्होंने बना दिया था कि अगर हम कोई ऐसी खबर फाइल करेंगे जो झूठी होगी तो हमें एक क्रिमिनल के तौर पर अदालत जाना होगा इसको, हालांकि दुनिया भर में सिविल सूट होती है। तो चौधरी साहब ये कारनामा अंजाम दे के गए थे जिसमें उन्होंने कैद की सजाएं भी बढ़वाई थी, उन्होंने हमारे जुर्माने भी बढ़ाए थे। इसलिए कोई भी मेरा ख्याल जिम्मेदार सहाफ़ी जो डेफेमेशन लॉज को समझता है, जो उसको पढ़ता है, जब वो TV पे आता है, कोई खबर करता है, स्टोरी करेगा या कॉलम लिखेगा, उसके जहन कम अगर मेरे जहन में बात होती है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे जहन में ये चीज़ होती है कि कल को मुझे अगर ये अदालत में बुलाया जाता है, जो जितना मैं TV पे बोल रहा हूँ, क्या कल को अगर जज साहब मुझसे पूछते हैं कि हजूर आपने गुफ्तगू फरमाई है, अब इसको ज़रा बैठ के थोड़ा सा इसके कोई सबूत भी दें, मैं ज़रूर ये चीज़ जहन में रखता हूँ। अगर ये सियासतदान ये समझते हैं हम इनको ब्लेम करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, इनके पास बड़ा खूबसूरत एक तरीका है। मुझे आज तक आपको ये मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, और भी जर्नलिस्टों को जाती हैं, मुझे 42 यहाँ लीगल नोटिस आए हैं, अदालत को नहीं लेके जाता। वो नोटिस क्यों भेजे जाते हैं आपको? आपको साइलेंस करने के लिए, आपके इदारे को डराने के लिए, एडिटर को, मालिक को, मुझे डराने के लिए कि दूसरे देखे जा रहा है कौन अदालतों में जाए, कौन वकील करेगा, कैसे करेगा। आपको अदालत से समन नहीं भिजवाते, रीज़न उन्हें पता होता है चोरी हमने की है, और जो रिपोर्टर कह रहा है उसके पास कुछ ना कुछ है। मुझे 5 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, उन्होंने कहा जी आपने स्कैंडल फाइल किए हैं, ज़रा इधर आप तशरीफ़ लें, और मैं गया वहाँ पे, मैंने चीज़ें की और अल्लाह का शुक्र है कि फैसले उसमें मेरे उसमें, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। अब जो सवाल आपका वो बड़ा की है,
वो ये सवाल है कि जो आपने इनकी इनकी एक्टिविटी दिखी, मैं आपको एक एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, बड़े दिन से मैंने रोक के रखा हुआ है। मेरे दोस्त है यहाँ पे एक, इसमें ये बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मैं आपको आपको FIA की कारकर्दगी बता रहा हूँ, जो बड़े आजकल आजकल लगता है कि ये CAA और FBI भी इनसे पीछे रह गई है। हाँ जी। तो उनको DG FIA ने फ़ोन किया, ये मौजूदा DG से पहले DG थे, उन्होंने कहा जनाब, अब ये उसको फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पर BSAP के चेयरमैन को, उन्होंने कहा जनाब कि आप क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे कंपेन चली हुई है इस पर, ये मैसेजेस पे, ये मोबाइल पे, और डेली मुझे मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं कि BSAP की तरफ से आपको 25,000 रुपये आपका इनाम निकला है, आप हमसे रब्ता करें, जो फ्रॉड चल रहा है मैसेजेस का। तो वो हंस पड़े आगे से, वो जो हाँ चेयरमैन उनके थे BSAP के, उन्होंने कहा हजूर हम सो आपसे तवक्को रख के बैठे हुए, मैं तो आपको लेटर लिख चुका हूँ, शायद आपने देखा नहीं है कि आपके पास साइबर विंग है, आप दुनिया की बहुत बड़ी, आप एक फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग आप एजेंसीज हैं, अगर DG FIA ही अपने आप को आने वाले टेलीफोन्स जो हैं उनके मैसेजेस हैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, उनको नहीं ट्रेस कर सकता, उनको नहीं बुला कर सकता, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जितना ये कर रहे हैं ना ड्रामा, इनमें कैपेसिटी नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने की। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ड्रामा लगता है क्लासा साहब, ये ऊपर से ऑर्डर्स गए हैं, ये जो हमारे हैं ना मुलाजम पेशा लोग हैं, पर्टिकुलर सरकारी मुलाजम, वो नैब में बैठे हूँ, आपकी FI में बैठे हूँ, ये अपने बास को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के तैयार, ये टोटल इसमें मेरा ख्याल जितने इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं सबको पता है कि ये ऑर्डर जो है वजीर आजम हाउस से गए हैं, ये चौधरी निसार अली खान साहब की तरफ से गए हैं, इतनी एक्टिविटी, इतनी एफिशिएंसी। अच्छा, फिर इसमें एक इन्वॉल्व नहीं है, लास्टली थोड़ा सा, इसमें सिर्फ FIA इन्वॉल्व नहीं है, यकदम हमें पता चला है कि इस मुल्क में SECP भी है, फिर हमें यकदम पता चला यहाँ पे ये आपके कस्टम्स भी है, अच्छा फिर हमें पता चला अच्छा यहाँ पे FBR भी है जो टैक्स एसेट्स देखती है, कोई यहाँ कस्टम्स को चेक कर रहा है, ऑडिट वो ऑडिट उतना क्लोजली फॉलो नहीं करती। सो ये स्टिंग ऑपरेशन हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल किया गया है, जो मुझे समझ आ रही है उसमें हुकूमत पूरी तरह इन्वॉल्व है, उसकी बैकअप खड़ी है, अब किन लोगों को बचाने के लिए कर रही है, अच्छा अगर ये मीडिया को खुश करने के लिए कर रही है 3-4 हाउसेस को, तो इसका मतलब है कल को मीडिया हाउसेस भी इनको फेवर्स उनको रिटर्न करेंगे हुकूमत को। आपने हमें कुछ नहीं कहना, हम जो कुछ करते रहे आपको सॉफ्ट रहना है। बिल्कुल ठीक है क्लासेस, मीडिया हाउसेस पर भी प्रेशर आता है, और वो प्रेशर क्योंकि आप लोग बहुत डील है, इट्स अ डील, ठीक है, मैं बिल्कुल उस चीज पे आना चाहूंगी, लेकिन चिराग खान साहब मैं आपसे भी ये चीज पूछती हूँ, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं, मुझे बताएं आप भी क्योंकि सारी की मीटिंग्स में आप भी उसका हिस्सा रहे हैं, बड़े चैनल्स पे हमेशा बहुत चीजें प्रूव होती हुई नजर आ रही होती थी, लेकिन उनपे उतना क्लियरली एक्शन नहीं लेते हुए नजर आए हम, जितना हम ये एक निजी कंपनी को लेके हम इतना शोर मचा रहे हैं। देखिए इसमें पहले तो हमें सूरत हाल को अगर देखें तो पिछले 17 मई से ये शुरू हुआ है वाकया। हाँ जी। उस वक्त से लेकर अब तक ये लग रहा है सिर्फ कि जैसे इस मुल्क के जो दो मसाइल हैं उसमें से एक एग्जैक्ट है और दूसरा अयान अली है। अब इन दोनों में आप देखिए कि अयान अली पैसे ले जाती हुई यहाँ से पकड़ी गई, उसके साथ पैसे थे जी, उसका मोबाइल भी पकड़ा गया। हाँ जी। उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हो रही है, वो अभी तक एक मॉडल के तौर पे ही अदालत पेश होती है और उसकी फिर तस्वीरें छपती हैं बड़ी कलरफुल किस्म के, उस पर पैकेजेस बना रहे TV चैनल्स। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स डेक्लन वॉश जिसकी स्टोरी पब्लिश हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसको आप यहाँ से एक नापसंदीदा शख्सियत हुकूमत पाकिस्तान ने करार देकर निकाला हुआ है। बिल्कुल। अगर आज उसकी ये स्टोरी चौधरी निसार साहब को पसंद आ गई है तो फिर इसका मतलब है जो उसकी बाकी स्टोरीज थी जो हमारे कौमी इदारों के हवाले से थी क्या वो भी उसकी दुरुस्त थी? Absolutely. और अगर वो दुरुस्त थी तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है? मुझे आज तक चौधरी निसार साहब ये बता दें उन्होंने कितनी फुर्ती से किसी और केस पर काम किया हो। इस केस पर काम करने की बिल्कुल सही कहा है क्लासरा साहब ने कि ये जो केस है इसको ले रहे हैं इस तरह से ये तमाम मीडिया हाउसेस भी, ये इदारे भी, और ये FIA और नैब के हुकाम भी कि ठीक है हम आपका ये काम करते हैं आप हमारे ये काम करेंगे। हाँ जी। तो देखिए ना इसमें से मसला ये है आज तक चौधरी निसार साहब ने किसी भी अखबार या TV चैनल के मालिक से ये पूछा कि आपने ये जो टैक्स बचाया है वर्कर्स वेलफेयर फंड के नाम पर आपने कौन सा कोई फंड कायम किया है, कौन सा किसी वर्कर को आपने कुछ दिया है? बिल्कुल। लेकिन तो ये तमाम चीजें वही ना वो प्रेशर फिर उस तरह नहीं है, ये सारा अपने, का अपने सारा एक ऐसा ड्रामा। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पाकिस्तान उसका एक डिप्टी डायरेक्टर ये खत लिख रहा है पैमरा के चेयरमैन को, उसकी क्या औकात है 18 ग्रेड के अफसर की कि वो चेयरमैन पैमरा को खत लिख रहा है कि इसके ऊपर आप पाबंदी लगाएं कि ये ट्रांसमिशन ना शुरू कर सके? इससे तो बड़ा गेम क्लियर हो गया आपकी कि आप सिर्फ इस चैनल के लिए ड्रामा हुआ, एग्जैक्ट के लिए नहीं था ये ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शाहीन सुबाई साहब हमें कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहीन सुबाई साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। शाहीन सुबाई साहब,
आप भी क्योंकि तमाम ये जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज जिस तरह से पाकिस्तान के जो माथे पे दाग लग रहा है, जो कलंक लग रहा है, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे भी, क्योंकि आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। मुझे बताएं शाहीन साहब, बार बार आप भी लिखते रहे हैं, जो तमाम वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे जिनके ट्रैक्स में हमें भुट्टोज की इन्वॉल्वमेंट नजर आती थी या हमें शरीफ बरादरान की इन्वॉल्वमेंट नजर आती थी, क्यों नहीं कोई केस वो आगे हमें कंक्लूड होता हुआ नजर आता जिसमें इनके चार्जेस जो है वो प्रूव हो और जिनके और ये एक्सेप्ट भी करें उस चीज को। जी बहुत शुक्रिया लीना आपका। देखिए मैंने एक दो दफा पहले भी कहा है और मेरे ख्याल है रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो एग्जैक्ट का मामला है और जो ये शुएब शेख साहब को सजा भुगतना पड़ रही है और वो इस वक्त जेल में बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इनके पीछे ना कोई बड़ा करप्ट सियासतदान खड़ा है इस वक्त या पहले खड़ा था, ना कोई बड़ा करप्ट बिजनेसमैन जिसने अरबों खरबों बनाए हो और सपोर्ट कर रहा हो वो खड़ा है, ना कोई इदारा खड़ा है। पहले चार्जेज आपको याद होगा कि लगे थे कि कोई इदारा इनके पीछे है, वो इदारा कहाँ गया अगर था तो, अगर और अगर था और अब हट गया है तो अलग बात है, लेकिन ये कि इनके पीछे कोई नहीं है, इसलिए इन पे हाथ डालना बड़ा आसान था। और जैसा कि अभी आपके हमारे दोस्त ने कहा कि जी आयान का केस भी एक सामने है, बट शाहीन सिबाई साहब, बट सिबाई साहब देखिए ना, बीबीसी अगर ये चीज हाईलाइट करता है या इंटरनेशनल मीडिया अगर कहता है कि पाकिस्तान रॉक्ड बाय फेक डिग्रीज, अगर फेक डिग्रीज का ये स्कैम सामने आ रहा है तो हम ये नहीं कहते कि जी शोएब शेख के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, अगर ये स्कैम था तो ये कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो एफिशिएंटली हमें इनके खिलाफ कार्रवाई नजर आ रही है, हमें वो पुराने करप्शन केसेस पे क्यों नहीं नजर आती? बिल्कुल, मेरी तो शुरू से शिकायत ही है कि ये पॉलिटिसाइज्ड है सारा का सारा, ये आपका जो ये क्रिमिनल सिस्टम है और जस्टिस सिस्टम है ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज्ड है, ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां इनको नजर आता है कि इससे हमें फायदा होगा वहां फौरन एक हफ्ते के अंदर जो कुछ हमने देखा एग्जैक्ट वो हो जाता है, और जहां उनको नजर नहीं आता वहां सालों पड़ी रहती है, चीजें दुनिया में साबित हो जाती हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है, बैंक खुद जाके कहता है कि जी फलाने शख्स का हमारे पास इतने मिलियन डॉलर पड़े हैं, कोई किसी को सर पे ये नहीं कहते ना, जू नहीं रेंगती, कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए कि ये सारा का सारा सिस्टम रिग्ड है हमारा। तो जब सिबाई साहब, जब हम कहते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑटोनोमस है, खुद मुख्तार है, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तो एक जिसे कहते हैं ना घर की खादमा लॉन्ड्री की तरह काम कर रहे हैं, वो जो उनको ऑर्डर आता है वो करते हैं, वरना वो आराम से अपने तनख्वाह लेते हैं और अपना घर पे मजे करते हैं और जिनको तंग करना होता है उनको तंग करते हैं, उनका तो कोई इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन सारे इंस्टीट्यूशन को। मैंने एक दफा ये लिख दिया था कि हमारे तो बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े और बड़े जो एजेंसीज हैं या फोर्सेज हैं, पावर दैट बी हैं, उनको चाहिए कि वो इन इदारों को इंडिपेंडेंट बनाने में अपनी पावर इस्तेमाल करें। अच्छा। लेकिन बहुत से लोग नाराज हो गए कि जी आप कह रहे हैं कि जी इंटरवीन करें। अच्छा सिबाई साहब, मुझे बताएं आप बतौर एक सीनियर सहाफी और एक गैर जानबदार हमें ओपिनियन आप दें होकर कि जो फ्रॉड, जिस लेवल का फ्रॉड अभी जो जिसका इंकशाफ हुआ है और थ्रू जस्ट वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी, और जिस तरह भी शरियार खान साहब भी बात कर रहे थे कि वो डेक्लिन वॉश ने काफी इंकशाफात जो है वो प्रीवियस केसेस के भी हवाले से किए, तो फिर उन सबको निकालना चाहिए। इंटरनेशनली पाकिस्तान को मैं जानना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान की इमेज तो कभी भी बेहतर नहीं हो पा रही, हर दिन हमारे पास कोई एक नया इशू होता है। मुझे बताएं बाहर अभी जितने लोग तमाम इस स्कैम में बेचारे इन्वॉल्व हुए या स्कैम में जो है जिन्होंने धोखे खाए, क्या उन्होंने कुछ वहां पर अप्रोच किया इंटरनेशनली उधर एजेंसीज को, क्योंकि अब एफबीआई के भी इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हुआ है, लोग बेशुमार लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, इस पे तो रिपोर्टिंग हो चुकी है कि एक पहले इस कंपनी पे केस चल चुका है, अमेरिका में क्लास एक्शन सूट हुआ था, 30,000 के करीब उसमें लोग इन्वॉल्व थे,
और उनके खिलाफ एक डिग्री दी गई थी तकरीबन 22 मिलियन डॉलर्स जिनको, मगर वो किसी ने पे नहीं किया क्योंकि वो सारा का सारा सेटअप जो था वो अमेरिका में तो था नहीं जो कोई पकड़ा जाता। और ये हमारा जो इमेज है बहुत खराब हुआ है। अब ये कि डेक्कन वॉच ने ये दी है या किसी और ने दी है ये एक अलग इश्यू जरूर है कि वो कितने क्रेडिबल है या नहीं है, लेकिन इस इश्यू पे जो कुछ हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि जो कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी। बिल्कुल। और वो जो सऊदी एक सहाफी ने भी जो मैं उस चीज को डिस्कस करना चाहूंगी, एक ब्रेक कंस्ट्रक्शन है, ब्रेक के बाद आज़ीम दोबारा हाजिर होते हैं। नाजी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। और क्लासा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि हम जो बात कर रहे हैं कि जी करप्शन और जितना मीडिया आज़ाद है, जितना चीज़ें एक्सपोज मीडिया के थ्रू और आवाम को पता चली है, आई एम गेसिंग कि 2013 के इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस के बेस पे फिर आवाम ने जो वो किया है, लोगों को वोट किया है, पार्टीज को वोट किया है, वो भी आई थिंक मीडिया के ही दिखाने की वजह से। मुझे बताएं कि आपको कभी, आप इतने अरसे से मुंसलिक हैं मीडिया इंडस्ट्री से, कोई हकायक सामने लाने पर आपको कभी इदारे से निकाला गया हो या इदारे ने कोई प्रेशर आप पे किया हो? दबाव आते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दबाव आते होते हैं। उसका जो हल निकाला है मालकान ने वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रात को 2-2, 3-3 बजे भी खबरें जो हैं आपकी कापी अखबार में जाने से पहले उतार ली जाती हैं कि ये खबर नहीं जाती, और उसके बदले इश्तहारात लिए जाते हैं। मैं विटनेस हूँ, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमें कहा जाता है कि आप जरा वर्जन लें किसी भी स्कैंडल से पहले, बिल्कुल लेना चाहिए, हम लेते हैं। जो ही हम उनको फ़ोन करते हैं वो फौरी तौर पर वो मालकान को अप्रोच करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ आपका डिटर खत्म होकर रहेगा तकरीबन, न होने के बराबर है या रिवायती के उसमें रस्मी है। उसका मतलब ये होता है कि जो ही हम उनको फ़ोन करते हैं वो रब्ता करते हैं, उसके बाद उनके आपस में डील होती है और ये होती हैं, ये इश्तहारात लेते हैं, ये मालकान बिजनेस करते हैं। ये कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है जो हमें कहा जाता है जिहाद है, ये फलान है तो हम ये कर रहे हैं, कुछ जिहाद वगैरह नहीं हो रहा। इट्स ए प्रोफेशन, इट्स ए बिजनेस। हो सकते हैं कुछ ये लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए प्रोफेशन है, शहरयार के लिए भी होगा, वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रोफेशन है, उनका तो बिजनेस है। तो मुझे बड़े अरसे बात समझ आई कि हम तो एक तरह का यूज़ होते हैं इनके लिए कि हमने खबर लानी है, ढूंढ के लाने, उसके बदले में चंद टके हमें भी मिल जाते हैं तनख्वाह के नाम पे, ये बिग मारेंगे। ये कई मतलब केसेस में ये हुआ है, एक दो बड़े इदारों में मैंने देखा है, ये मैंने फेस किया है ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो ये किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मालिक उस वक्त इजाज़त देगा आपको कोई भी स्कैंडल फाइल करने की जब तक उसको अप्रोच नहीं किया जाएगा। अच्छा। जो ही वो अप्रोच होता है हुकूमत की तरफ से होगा, वो आपकी आपकी उस कंसर्न्ड अगर कोई वो पार्टी है उसकी तरफ से होगा, जो ही अप्रोच है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, उर्दू मीडिया में ज़्यादा तकालीफ है, जो मैं कहता हूँ उर्दू का हमारा जो जर्नलिस्ट है उस बेचारे को ज़्यादा मुश्किल का सामना है। मैंने अक्सर इदारों में देखा जो उर्दू बड़े बड़े अखबार आपको नजर आएंगे, हाँ 2-3 एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, मैं साहब की नहीं बात कह रहा, कि वो पहले दिन ही रिपोर्टर को दे देते हैं ये 25 डिपार्टमेंट हैं, ये महकमे, इनको कुछ नहीं कहना क्योंकि हमारी मार्केटिंग ने कहा है, ये हमारी इश्तियारी पार्टी है। उसके हाथ पांव बांध के अब कहा जाता है खबर लाओ, जब हफ्ते बाद कोई खबर नहीं लाता तो कहता यार तू तो बड़े नलायक आदमी, तेरे पास खबर ही कोई नहीं है। ये मैंने देखी हैं चीज़ें और मैंने फाइट किया है ऐसे उनको रिपोर्टर्स के लिए, अब निकाल दें। सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, के भी हाथ बन जाते हैं, नहीं बंधने पड़ते हैं, क्या करेंगे, वही वाली बात। अब ये बोल वाले फंस गए। और जो जुल्म मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, तमाम इदारे जो बोल के खिलाफ कंपेन लॉन्च कर रहे हैं ये खुद मुश्किल का शिकार रहे हैं, इनके लिए हमने आवाज उठाई हुई है। ये जब खुद मुश्किल में होते हैं अपने वर्कर्स को आगे कर देते हैं कि चलो मेरे बच्चे जाओ और सड़कों में मुजाहरे करो। एब्सोल्युटली। आप इंटरनेशनली भी अगर कुछ चीज सामने आ रही होती है, ये नहीं होता कि जी आपस में इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स वगैरह एक दूसरे की बैशिंग में लग जाएं, आपको मुत्तहिद होकर उस चीज को फेस करना होता है। हमें टास्क दी जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग शहरयार क्योंकि लीडर आदमी, इसको ज्यादा राजों को पता होना चाहिए कि आज पार्लियामेंट से बैकआउट करवाना है क्योंकि हमारा इदारा मुश्किल में आ गया। अच्छा, हम क्यों बैकआउट में चले जाते हैं, इनका साथ देते, हमें फिक्र होती है पीछे 5-10 हजार वर्कर बैठा है, सो मालिक इनको इस्तेमाल करते हैं, ये इदारे करते हैं। आजकल वो क्या कर रहे हैं, वही इदारे जो खुद मुश्किल में रहे, हुकूमतों को जेरे ताब रहे, चाहे ISI के जेरे ताब रहे हैं, चाहे आप GHQ कर रहे हैं या दीगर इदारों कर रहे हैं, इनकी मुश्किल हम खड़े रहे, सारे खड़े रहे। वही वर्कर जो 2200 आज वहां बोल में फंस गया बेचारा, वो उनके लिए सड़कों पर निकला है, उनकी कोशिश है कि नहीं आप जीरो टॉलरेंस है, इनको जितना मार सकते हो मारो, जितना दबा सकते हो दबा, ये काल को फिर ये मुश्किल में आएंगे। मैं यही बात कह रहा था अभी इस शो शुरू होने से पहले शहरयार को, मैं एक दफा तो आप बैठ के जो हमारे लीडर हैं ये कोर्ट बना दें कि फलां फलां इदारे जो हैं ये वर्कर्स के खिलाफ जो अपनी दुश्मनी में हाथ पे चले जाते हैं, जब हुकूमतें इन पे स्ट्राइक करते हैं तो फिर आप लोग आगे खड़े होते हैं सीना तान के, नहीं कि जनाब के अगर कोई आपने बुलेट चलो हमारी लाश से गुजर के जाएंगे आप फलां इदारे तक, फिर इनको अपनी लाशें दूर कर लेनी चाहिए, इन्हें बैठ के कोई ना कोई फैसला करना चाहिए कि वो इदारे जो 2200 वर्कर का नहीं सोच रहे, भाई ठीक है एग्जैक्ट तक तो आप रहे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बॉल को बंद कराने वाली बात की गई, इट मींस कि आप ये कोई बड़ी बिगर कोई गेम प्लान है, ये बड़ा खेल खेला जा रहा है, 2500 लोगों को आप हल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट से कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं गलियां हो जाए सुनिया तो मिर्जा यार फिरे, तो मिर्जा फिरना चाहते हैं गलियों में, और कोई वजह नहीं। बिल्कुल, तो शहरयार साहब उसके लिए क्या करेंगे कि, और जो बड़ा वाकई में अफसोस होता है कि मुझे 2200 मुलाजमीन जिनको जिन्होंने शायद इदारे को ज्वाइन करा कुछ सीनियर क्रेडिबल एंकर्स और साफियों देखकर, उनको तो अबैंडन ऐसे कर दिया गया, अब वो क्या वापस से उनके पुराने चैनल्स उनको वापस से रिहायर करेंगे, कौन उसके लिए आवाज उठाएगा? और एसोसिएट करना चाहूंगी, मैं लिंक करना चाहूंगी उस बात से शहरयार साहब, जहां पे दूसरे चैनल्स के आप प्रोग्राम्स बैन करने के ऊपर देख रहे होते हैं कि इतना ज्यादा मुहिम चल रही होती है या हुकूमती या अदालती ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं। देखिए अफसोसनाक सूरत हाल यही है इस वक्त, मैं क्योंकि बिल्कुल ठीक बात कही है कलासरा साहब ने कि हमने कई बड़ी बड़े ये जो कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री के जो टाइकून्स हैं, इनको हमने अपने लीडर्स के पैरों में बैठे हुए देखा है। छापरा साहब के पैरों में बैठे आकर और भीख मांगी और उन्होंने कहा कि हम अपने इदारे से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत का खात्मा करेंगे, वेज अवार्ड फौरी तौर पर नाफिज करेंगे। और जैसे ही वो उस मुश्किल से बाहर आए मियाँ नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में, मीडिया हमेशा मियाँ साहब की हुकूमत में बड़ी मुश्किल में होता है, कि वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर जो हमारे वहाँ पर सरकर्दा लोग थे उन सबको सबसे पहले उन्होंने टर्मिनेट किया, जाके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट उन्होंने क्या करना था, बहरहाल वो सारे के सारे स्टे ले आए और स्टे के ऊपर उन्होंने अभी बड़े अरसे तक मुद्दत। लेकिन अब जो है सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई है, तब्दील ये हो गई है कि आप जब आए तो हमने सबसे पहले जब ये हामिद मीर साहब का इशू आया जियो के हवाले से, तो हमने उस वक्त वाज़ह तौर पर कहा कि हम हामिद मीर के साथ खड़े हैं एज अ वर्कर, मीर शकीलुर रहमान के साथ हम नहीं खड़े हुए, और हमारा स्टैंस जो था वो आखिर वक्त तक अपने वर्कर्स के लिए रहा। उस वक्त मुझे कहा जाता था कि यार ये तो जियो से नौकरी लेगा, देखना अभी थोड़े दिनों बाद जियो चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं अपने इदारे में ही बैठा हूँ, ना मेरे इदारे ने मुझे निकाला, ना मैं गया, ना मुझे जरूरत पड़ी उसके बाद जियो के बाद ARY की बारी आई। और उस वक्त हमने कहा था कि आज ये जो सारे मिलकर जियो को गिरा रहे हैं, कल एक एक करके सबकी बारी आएगी। आज भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर आप शुएब शेख को हथकड़ी लगे हुए बड़े क्लोज करके दिखाते हैं, उसके ऊपर आप बड़े कलरफुल से पैकेजेस बनाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि कल आपकी बारी आ सकती है, कल आपके हाथों में भी ये जेवर होगा, और कल आप जब लोगों को बुलाएंगे तो आपके पीछे कोई वर्कर नहीं आएगा। उस वक्त वर्कर यही कहेगा कि आपने एक इदारे को तबाही के दाने पर पहुंचाया, हम आपके साथ इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आपने सहाफत का दिवालिया निकाल दिया। अब मुझे बताइए कि क्या एक डिप्टी डायरेक्टर की बनाई हुई खबर जो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया चेयरमैन पैमरा को, क्या वो जेब देता है किसी इदारे को कि वो उसको सुपर लीड लगाए? और हमारे तमाम बड़े इदारों ने सहाफत का जनाजा निकाल दिया वहां पर, इन खबरों को छोटी छोटी, डिप्टी डायरेक्टर की खबर कहीं सफा 3 पर भी नजर नहीं आती सिंगल कॉलम। मैं अगर मुजाहरा करूं, आज दिखाते हैं ना ये बड़े बड़े चैनल्स दिखाते हैं आज कि इतनी बड़ी इंसानी आतों की जंजीर मीडिया वर्कर्स ने आज जो बनाई है, जो एक मील से ज्यादा थी, वो चौधरी निसार को भी पता लगता, परवेज रशीद को भी पता लगता कि कितने लोग जो है वो आपके मालकान। आइए समझते हैं कि सिर्फ मीडिया सिर्फ मालकान है, मालकान नहीं है, वो हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं जो सड़क पर निकले। पार्लियामेंट हाउस का अगर उन्होंने रास्ता बंद किया तो आपको अपने घरों के जाने के रास्ते नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो ये नहीं समझ आता। बट शहरयार साहब, अभी इनके खिलाफ एक्शन भी होगा, और क्योंकि हुकूमत की नजर आ रही है इस पर इस वक्त, और दूसरे चैनल्स के खिलाफ जो है जो इल्जाम सामने भी आए उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? देखिए ये तो हमने देखा है, और लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर ये एक हफ्ता पहले चैनल शुरू कर लेते तो इनके साथ आज ये ना हो रहा होता जो अब हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई इस खुशफहमी में है, गलत फहमी में है, परवेज रशीद हो, चौधरी निसार साहब हो, या खुद वजीर आजम साहब हो, अगर वो इस गलत फहमी में है कि वो ये चैनल बंद करा देंगे तो ऐसा नहीं होगा, इनको हम घरों में नहीं घुसने देंगे इनके। बट देखिए इसकी मैं सॉरी जस्ट छोटा सा कमेंट, इस चैनल को बंद कराने के पीछे, ऑर्डर कराने के पीछे एक जो गेम है वो बड़ी सादा सी है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि 2200 मुलाजिम जो डट गया, मुश्ताक मिनहास डट गया है, और बहुत सारे जासमीन मंजूर डट गई है, और बड़े सारे डट गए नहीं जब हम खड़े हुए हैं। मालकों की फिक्र पड़ गई है कि ये जो कहते हैं माले गनीमत पे इन्होंने जाके छापे मारने थे, जंग के बाद तो माले गनीमत बांटा जाता है कि जो जिसके हाथ चढ़ता है वो अपने घर ले जाए, उन्हें ये पड़ी है कि अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे ये तो वर्कर अभी तक बैठा रहेगा। हो सकता है लॉयल्टी वर्कर में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जो छोटा वर्कर आपका लेवल पे है वो ज्यादा लॉयल होता है, जो बड़े होते हैं वो हमने बड़ों का तो देख लिया हमने। सो उन्हें ये फिक्र है कि अगर ये बंद नहीं होगा तो वर्कर्स मायूस नहीं होंगे,
उन्हें थोड़ा सा दिखाएं कि हजूर ये कहानी होगी बंद, अब आप हैं, अब हम आपकी आपकी कीमत हम लगाएंगे। हाँ, आप 10 रुपए के हैं, आप 12 के हैं, 2 रुपए के हैं, 3 रुपए के हैं, माफिया मांगे हैं, हमें लिख के दें, फिर इनकी ईगो मसाज होगा। अब इनका टाइम है ईगो मसाज का। 2 साल इनकी ना ईगो बड़ी हल्ट हुई है, बड़े बड़े लोग थे इसमें, ईगो हल्ट हुई है। शोएब शेख उठाए, फलाना उठाए, इतना बड़ा इदारा उसने ना खड़ा कर दिया। अब एग्जेक्ट को बंद करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जेल में डालें, किसी को एतराज नहीं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है रिपोर्टर के पास गाड़ी आए उसके पास। सिंपली एक ही कोशिश है, इदारा बोल बंद करवाएं, 2200 वर्कर जो आपका माले गनीमत है उन पर जाए शब खून मारें, उनसे अपनी आपके ईगो मसाज करवाएं, उनको 10 रुपए पे किसी को लें, किसी को 15 रुपए पे लें, किसी को 2 रुपए पे लें, ये बंद इसलिए। और हुकूमत इसमें पार्टनर है क्राइम्स में, ये जो कुछ हो रहा है, बट क्लासेस देयर पार्ट ऑफ इट। क्लासेस साहब, अफसोस इस बात का कि वो जो तमाम, वो जो मैंने जिक्र किया कि जो सीनियर सहाफी जिन्होंने एग्जिट लिया और बड़े कन्वीनियंटली एग्जिट लिया, क्या उनको नहीं पता था कि आप कोई भी इदारा ज्वाइन करते हैं आप उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे और आपने कन्वीनियंटली। लेकिन मैं एक बात, एक मिनट, एक ब्रेक, एक छोटी सी बात करूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे में से कोई भी जो ये कलम के मजदूर है, हम लोग जाने से पहले किसी का नहीं देखा, नहीं तो ये सारे के सारों में से हाजी सदीक कौन सा इनमें से। हाँ, हमारे लिए मैटर करता है फिर पैसा। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। नाजी, वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड। और ब्रेक के बाद हमें टेलीफोन कॉल पे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, ब्रेक के बाद मैं ज़रा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि जी हमें सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नज़र आ रही है। हम ये नहीं कहते कि जिसके खिलाफ अगर जो गुस्ताखियाँ, जो करप्शन, जो खामियाँ, जो गद्दारियाँ साबित हो रही हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन ना लें, आप बिल्कुल कार्रवाई करें। लेकिन जिन पर माजी में हमने देखा जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, जो करप्शन केसेस सामने आ चुके हैं, उन पर कोई एक्शन लेने का कोई क्यों नहीं सोचता? वाई इज एवरी वन एल्स अबव द लॉ? बुखारी साहब, देखिए, गुजारिश ये, पहली बात तो ये कि मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आप देखिए, नवाज शरीफ के सारे केसेस एक एक करके खत्म हो रहे हैं, जरदारी साहब की तमाम अदालतों ने क्लियरेंस दे दी है। बिल्कुल, ये तो उनके हक में हो रही है चीजें। ये तो मतलब है, देखिए ना, इंसाफ कितना हो रहा है। तो वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, कानून मेरे आपके लिए क्लासा के लिए है, कानून एलीट क्लास के लिए नहीं है। उनके पास लाइसेंस है टू किल, वो जो करे, जितनी मर्जी करप्शन करे, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी बड़े आदमी को करप्शन में सजा हुई हो मुझे बताए, जब ये फंसने लगे तो उन्होंने प्ली बार्गेन एक नई इस्तलाह निकाल ली पूरी दुनिया में। उसमें से बड़े बड़े घुर्गे जो है वो अपनी जान छुड़वा गए, फिर एनआरओ कर लिया, उसके अंदर पता चला क्रिमिनल केसेस तक खत्म हो गए हैं, लिव लोन यानी जो लोन डिफॉल्टर है सबकी माफिया होगी। हमारे यहाँ तो कानून से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए ऐसे ऐसे जखीज माइंड बैठे हुए हैं कि नए से नया तरीका लाएंगे। अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में मजाक बन के रह गई है और पूरी दुनिया में हमारा इस पर मजाक उड़ता है। हमारे जो रूलिंग लीड है उसको तो शर्म आने वाली नहीं है, लेकिन हमारे जो जस्टिस के अदारे हैं जहां से इंसाफ मिलना चाहिए, उनका भी बहुत बुरा हाल है। उनकी भी तारीख कोई सुनहरी लफ्जों में लिखी जाने वाली नहीं है। इसलिए ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम बच निकलने के मास्टर है, इससे किसी की गिरफ्त नहीं होती। तो बुखारी साहब, किसको फिर अकाउंटेबल, किसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए कि हमारे मुल्क की जो लुटी हुई दौलत थी वो आज तक हम रिकवर नहीं कर सके? दो ही तरीके हैं, एक तो पब्लिक जस्टिस का है कि लोग अब इनको पत्थर मारें या पकड़ के इनके मुंह काले करें, वो सिविल वॉर की तरफ ले जाएगा हमें। दूसरा है कि हमारे जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे हैं उनमें बैठे हुए जो जजेज हैं, जो हमारे कानूनदान हैं, हमारे जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करें और करप्शन को खत्म करने की कोई संजीदा विजिबल कोशिश करें। ये सब कुछ अभी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ दुआ की जा सकती है इसके लिए। हाँ। वो आप भी करें, मैं भी करता हूँ, क्लासा भी करता है, पाकिस्तानी भी करते हैं। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब, बतौर एक सीनियर सहाफी आप लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे? आप जो, हम लोग जो करप्शन के केसेस, जो आप तमाम सीनियर सहाफी करप्शन के केसेस जो सामने ला रहे हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे? आप इस बात की भी गारंटी आवाम को कराते हैं, जो कि सहाफियों को एक हकायक पहुंचाने के लिए बहुत जिम्मेदारी दी है आवाम ने आपके हाथ में? देखिए, जब तक इस मुल्क में रऊफ कलासरा, शाहीन सबाई, इस किस्म के जर्नलिस्ट मौजूद है, कोई ना कोई उम्मीद है
कि कोई ना कोई इंसाफ का रास्ता निकलेगा और इनकी पकड़ होगी। जब तक मीडिया पर बैठ के लोग बोलते रहेंगे, जब तक कलम से लिखते रहेंगे, तब तक ही इन्हें डर भी है और तब तक ही इसका इम्कान भी है कि कोई इफेक्टिव कदम इस सिमत में उठाया जा सके। वरना जहां तक हमारी रूलिंग एलीट का ताल्लुक है, वो चैंपियन है इस काम के कि उनकी गिरफ्त ना हो सके और वो जो मर्जी करें, जैसी मर्जी अंधी मचा दें, जितनी मर्जी करप्शन करें। किसी हुकूमत ने पिछली हुकूमत को पकड़ के सजा नहीं दी है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता जा रहा है। और मुझे यूं लगता है कि अगर मीडिया की आवाज भी किसी तरह से साइलेंस हो गई तो ये रवायत भी खत्म हो जाएगी कि किसी तरह से कोई आवाज उठे। भाई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए। क्लासा साहब, मैं आपकी तरफ इस बात को लेकर आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो है जरदारी साहब पे इल्जाम लगाते थे, नवाज हुकूमत जब अपोजिशन में थी तब लगता था कि जी सारे करप्शन पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, सारे करप्शन में इन्वॉल्व पीपल्स पार्टी है। नवाज शरीफ साहब आते हैं हुकूमत में, तमाम उनके केसेस सामने आ जाते हैं। मुझे बताएं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हमने मजाक क्यों बना के रखा हुआ है, जो खुद मुख्तार और ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, FBR हो चाहे वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो, क्यों रिपीटेडली एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बार बार पॉइंट आउट करती है कि जी ये सिलेक्टिव सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। देखिए बुखारी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बड़े उन्होंने अच्छे अल्फाज कहे। मैं खुद मेरे 6 साल का न्यूज़ में एडिटर रहे हैं एंड वी हैड ए वेरी गुड टाइम देयर। जो आपने सवाल उठाया ये बड़ा अहम सवाल है। एक तो जमहूरियत के नाम पे हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ गए, जो करने पड़ते हैं। जमहूरियत नाम इसी चीज़ का है कि 50% लोग जिसके साथ खड़े हो गए हैं, बल्कि 51% तो बाकी आपके 49% को उनके साथ चलना पड़ता है। अब लॉ के तहत चेयरमैन नैब जो है वो अब ये किसने लगाना है और लॉ किसने बनाया, इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना था। ऑफकोर्स पार्लियामेंट बनाती, आप और मैं तो नहीं बना सकते थे। उन्होंने लॉ बना दिया कि ये चेयरमैन नैब जो लगेगा वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन की मर्ज़ी से लगेगा, मतलब कंसल्टेशन से लगेगा। सो दोनों ने कंसल्टेशन की और कंसल्टेशन में से कौन निकला, चौधरी कमर जमान साहब निकले। कंसल्टेशन कौन कर रहे थे, एक नवाज शरीफ साहब और यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब कर रहे थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। दोनों पे मुकदमे हैं नैब के, सुन रहे हैं ना आजकल जो ये लॉन्ड्री खोल ली है कमर जमान चौधरी साहब ने कि आए जी जिसने अपने डल्टी लिनन यहाँ पे साफ करवाने आए कराएं जी, हम बैठे हुए हैं, हमारा काम ही है। एक ब्यूरोक्रेट कभी भी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। वो यस सर है, यस बॉस है, यस मिनिस्टर है, यस प्राइम मिनिस्टर है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं उनको ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, उनको कमर जमान चौधरी साहब को, उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी ग्रूमिंग नहीं है, वो क्वेश्चन अच्छा। नहीं कर सकते। उन्होंने किसी मीटिंग में आज तक उन्होंने 30-35 साल सर्विस की, किस चीज़ की है, एक ही चीज़ की है कि साहब जो ये ठीक कह रहे हैं जी सर, आपने कहा सर हम ऐसे करेंगे, उसका नुकसान क्या हुआ है। उसका नुकसान ये है जो आज हम रोना रो रहे हैं कि किसी भी हमारी आपकी एंटी करप्शन आप एजेंसी देख लें, एतबार नहीं रहा। ये नहीं है अच्छा ये लोग एक और बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये तनख्वाह, ये आपके पर्क्स, प्रिविलेजेस, गाड़ियाँ, घर, बला बला इंटरनेशनल ट्रैवल सारी आवाम के खर्चे से होती हैं। तनख्वाह ये आवाम से लेते हैं, आपके मेरे टैक्सेस से लेते हैं। मैं रेगुलर टैक्स देता हूँ, अपने टैक्स रिटर्न्स भी जमा कराता हूँ और सर्व किसको करते हैं, जो इनको टक्का नहीं देते, सिंपली पोस्टिंग देते हैं। उन्होंने पोलिटिकल यहाँ पोस्टिंग लगाना शुरू कर दी। FIA में यही कुछ हुआ है, मुझे याद पड़ता है जो FIA का अच्छा दौर था, तारिक या परवेज थे DG FIA थे, उसके बाद तारिक खोसा है, ये प्राइम उनका टाइम था आपकी FIA का। लगता था कि पाकिस्तान में एक अच्छी साफ सुथरी एजेंसी काम करे। जो अभी, 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 अभी शायद हयात पे आपको इतना भरोसा नहीं, इंटेग्रिटी पे नहीं जा रहा। ही इज अ गुड कॉप, वो इंटेलिजेंट होंगे, वो अच्छे होंगे, सारा कुछ डिक्टेटेड। लेकिन मैं कहूंगा मेरे सामने सैयद हयात साहब को बिठा दें, उन्हें आके एक्सप्लेन कर दें उनके पास क्या एक्सपर्टीज है इस वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की, नंबर एक। दूसरा उनसे पूछा जाना चाहिए, जो अब तक जो निकले हैं सारे के सारे, वो 4 लोग निकले हैं, 3 कोई वहाँ पे ये बशिंदे निकले हैं जिन्होंने की डिग्रियां जाली निकली हैं, कोई अमेरिका में, ब्रिटेन में, एक उस पर आपके मिडल ईस्ट में, एक कुत्ता निकला है, 4 निकले हैं सारे के सारे। तो सवाल आज 2009 में इंकशाफ हो चुका, जो सवाल बुखारी साहब ने उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। आपने भी अपने पहले सवाल में उठाए थे, हमारी बदनामी होगी, हुकूमत कह रही है बदनामी होगी। यार ISI असगर खान केस में आपको साबित किया गया है कि आपने ISI से पैसे खाए हैं, नवाज शरीफ साहब पे है ये, इन्होंने FIA ने कमीशन बनाया था, बंदेशा साहब थे, गालिब ये बंदेशा थे, हाँ। वो किधर गए गालिब बंदेशा साहब जिन्होंने FIA का कमीशन बना था कि ISI असगर खान केस में इंक्वायरी करके रिपोर्ट करें, एक्शन लें। आपने कभी उसका बंदेशा का नाम सुना गालिब का, गायब हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ को कहा कि बयान दें, उन्होंने कहा आज के बाद जुरात की तो फिर आपका हशर करेंगे, नजर ही नहीं है।
आपका वहां पे आपके जीएचक्यू पे कब्जा हो जाते तो बदनामी नहीं होती, ओपीएल हो जाता है तो बदनामी नहीं होती, आसिफ जरदारी का 60 मिलियन डॉलर वहां पे नोन पड़े हुए हैं आपकी बदनामी नहीं होती, दर्जनों आप पे केसेस हैं भाई, आप बदनामी नहीं होती। आपके सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी ये बदनामी होगी, ये जो एफआईआर इस एग्जैक्ट के हवाले से इसका मुद्दा ही कौन है, ये तो ये भी अभी तक सामने नहीं आई बात। मैंने चौधरी निसार साहब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया था कि एक वाकया रुनुमा होता है अमेरिका में, उसकी कोई पाकिस्तान में शिकायत नहीं, और आपने इतनी मुस्तैदी से यहाँ पर आज खुद नोटिस लिया है जो अदालतों का काम था। हाँ। जो इससे पहले आप अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपने सवाल किया, तो मैं एक छोटा सा शेर है कि चोर मामूर हुए शहर की दरबानी पे, रोना आ जाता है इस तर्ज निगेबानी पे। तो जो चोरों को बिठाएंगे आप हमारी निगरानी के लिए तो उसका अंजाम ऐसे ही होगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक दूँ कि कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इस्लामाबाद में थी जिनकी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं थी, इलाहाक नहीं था उनका किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ, उनके अंदर लोगों को कई कई साल तक वो खुद डिग्री अवार्ड स्टेटस ना होने के बावजूद वो डिग्री अवार्ड करते रहे, तो उनको तो आपने पकड़ा नहीं कभी भी किसी को। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और इसका जहाँ केस ही पाकिस्तान से बाहर हुआ है, क्या कोई अमरीकी कंपनी जो पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस कर रही होती उसको क्या मतलब वो अमेरिका में उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता, बल्कि वो उसको पाकिस्तान से बाहिफाजत निकाल के ले जाते, रेमंड डेविस को जिस तरह लेकर गए थे यहाँ से। तो आप पहले तो ये चौधरी निसार साहब बताएं कि उनको किसने कहा कि आप अदालत की तरह सुओ मोटर लें, और अगर लेने ही थे तो आपने तेजाब जिन खवातीन पे फेंका गया उसके ऊपर तो आपने कभी सुओ मोटर एक्शन नहीं लिया, आपने कभी पुलिस की करप्शन की कहानियां सामने आने पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अब तक जितने ये मीडिया ओनर्स की आप ने सारों के केसेस देखे आपने कभी उनके खिलाफ कोई जो है केस नहीं खोला, खुद आपने अस्पुत कार्रवाई नहीं की, इसके ऊपर आपको किस तरह हमने एक और अली ने एक छोटी सी हमने आपने पूछा था, आज पीएफयूजे ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है कि अगर 48 घंटे में वो गैर कानूनी गैर आईनी नोटिफिकेशन जो एक पीबीसी के डिप्टी डायरेक्टर खिजर अली शाह ने जारी किया है, अगर वो नोटिफिकेशन वापस ना हुआ पैमरा को जो उन्होंने दिया है कि बोल की नशरात रोकी जाए, तो उसके बाद मुल्क भर में मुजाहरे होंगे और इनके दफातर के बाहर होंगे, वजारत इत्तलात के बाहर होंगे, पार्लियामेंट के बाहर होंगे, कैंप्स लगेंगे, और इनका जो है बहुत अच्छी तरह पता लगेगा कि जो डिक्टेटर्स के सामने जिन्होंने मजामत की थी जमहूरियत की बहाली के लिए, वो इन ये जो हवा में मुअल्लक सियासतदान है उनके खिलाफ तो करना हमारे को बड़ा मसला ठीक है और इनका घेरा तंग किया जाएगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन हम जिस तरह बात करते थे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो प्रोसेस है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट विगरस और अक्रॉस द बोर्ड, जो हम बात कर रहे हैं कि जी अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें और आवाम को, ताकि वो जो तमाम करप्शन के केसेस में जब तमाम बड़े बड़े सियासतदानों के नाम शामिल नजर आते हैं इन्वॉल्व नजर आते हैं, तो वो चीज़ हमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई, और एनीबडी मतलब जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट हो, जिसमें आपका पॉलिटिशियन हो, जिसमें आपके तमाम जजेस हो या मिलिट्री ऑफिशियल्स हो या पुलिस ऑफिशियल्स हो, अगर ब्लेटेंटली किसी ने भी वायलेट किया पाकिस्तान का लॉ और पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, करप्शन में इन्वॉल्वमेंट साबित हो रही है, तो उस चीज पर जरूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।